हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सरोज की रसोई। और आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों के लिए लड्डू। और इन लड्डुओं में हम डालेंगे, ये 1 किलो आटा है और इसमें से 1 पाव बेसन डालूंगी और 1 पाव में डालूंगी सूजी। और इनको मैं भून लेती हूँ, मैं सूजी डाल देती हूँ, मैं 1 पाव भी डालूंगी बेसन और मैं अच्छे से भूज लेती हूँ। ये देखिए लड्डुओं के लिए मेवा, ये बादाम है, ये किशमिश है, ये काजू है, ये अखरोट है, ये गोंद है और ये मखाने हैं और ये छुआरे हैं। खुला है, मैंने कस लिया है करीब 300-400 ग्राम। ये खसखस है, इनको सबको मैं भूंज लेती हूँ अच्छे से। ये आटा मेरा बन चुका है, अब इसको मैं निकाल लेती हूँ, फिर भूंजूंगी मेवे को। सबसे पहले भूंजूंगी मैं ये आधे किलो छुआरे को, भूंज लेती हूँ। ये छुआरे बन चुके हैं, इनको निकाल लेती हूँ, चम्मच घी डालूंगी, फिर मैं डालूंगी इसमें बादाम, भूंज लेती हूँ। ये मेरे बादाम बन चुके हैं, हम निकाल लेती हूँ ना, फिर से 1 चम्मच घी और 500 ग्राम काजू, और 1 काजू मेरे सुनहरे लाल बन चुके हैं, इनको निकाल लेती हूँ। फिर इसमें 1 चम्मच घी, ये अखरोट भूज लेती हूँ, और ये अखरोट मेरी बन चुकी है, इनको निकाल लेती हूँ। 1 चम्मच घी, ये 100 ग्राम गोंद, और ये गोंद बन चुकी है, इसको निकाल लेती हूँ। 1 चम्मच घी, ये इसमें मखाने, 1 पाव मखाने, ये मेरे बन चुके हैं, मखाने बन चुके हैं, इनको निकाल लेती हूँ। 1 चम्मच घी, फिर से अब भूनेंगे इसमें खसखस, और ये खसखस बन चुकी है, इसको निकाल लेती हूँ। फिर से 1 चम्मच घी डालेगा इसमें गोला, और ये गोला भूज लेती हूँ, और ये नारियल बन चुका है, इसको निकाल लेती हूँ। इसमें 1 चम्मच घी, इसमें जाएंगे किशमिश, ये तो नाम को भूनेंगे। और अब इनको मिक्सी में दरदरा पीस लेते हैं सारे मेवाओं को। ये देखिए बादाम पीस चुके हैं, ये किशमिश मेरी बन चुकी है, अब इनको बंद कर देती हूँ। फिर काजू को दरदरा पीसना है बस, और ये काजू पीस के तैयार। और ये है जी देसी घी 2.5 किलो लड्डुओं के लिए। सारी मेवा पीस चुकी हैं, ये है बना हुआ आटा। सबसे पहले जाएगी देसी खांड, 1 किलो सारी मेवा, 2 किलो देसी खांड, 2 किलो आटा, 3 किलो देसी घी, ये छुआरे, ये डरेंगे आधे किलो किशमिश, ये बादाम का चूरा, खसखस का चूरा, ये काजू, गोंद, ये गोला, सारा मिला देते हैं। और अब गिरेगा इसमें देसी घी। अब ये सर्दियों के लड्डू बनने लगे हैं हमारे, आप भी बनाइए। घुटनों में दर्द, सर में दर्द, कमर में दर्द, जुकाम, खांसी, नज़ला, ये सब के लिए रामबाण इलाज है। एक बार आप भी बनाइए लड्डू। हेलो दोस्तों, ये हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही स्वादिष्ट, आप भी बनाइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।